कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में तीन और उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने की मांग जोर पकड़ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि इस पर कांग्रेस आलाकमान का फैसला अंतिम होगा। सिद्धारमैया सरकार के कुछ मंत्री डिप्टी सीएम पद वीरशैव लिंगायत एससी एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय को दिए जाने की सिफारिश कर रहे हैं। फिलहाल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार को वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। सिद्धारमैया कैबिनेट में एकमात्र डिप्टी सीएम है। तीन और उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने के सवाल पर सीएम सिद्धारमैया ने पत्रकारों में बातचीत से कहा कि आलाकमान जो भी फैसला करेगा वो अंतिम होगा। कांग्रेस के भीतर एक धड़े का मानना है कि मंत्रियों द्वारा तीन और उप मुख्यमंत्री की मांग वाला बयान सिद्धारमैया खेमे की योजना का हिस्सा है, ताकि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को काबू में रखा जा सके, क्योंकि चर्चा है कि वो इस सरकार के 2.5 साल बाद सीएम पद की मांग कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार में सहकारिता मंत्री के एन रजन्ना, आवास मंत्री बी जेड जमीर अहमद खान, लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली और सिद्धारमैया के करीबी माने जाने वाले कुछ नेता पिछले एक सप्ताह से तीन और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। दोनों ने ही मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोका था, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने तय किया था कि शिवकुमार ही एकमात्र उप मुख्यमंत्री होंगे। पिछले साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस खेमे में शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने शिवकुमार को सीएम पद के लिए अपना दावा छोड़कर उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए मना लिया था। सिद्धारमैया सरकार में तीन और मंत्रियों को डिप्टी सीएम बनाने की मांग पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को नाराजगी जताई और कहा कि पार्टी उचित तरीके से जवाब देगी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस प्रमुख शिवकुमार ने रिपोर्टर से बातचीत में कहा कि अगर कोई कुछ कहता है तो आप उस पर खबर बना देते हैं। जो लोग इस खबर से खुश हैं उन्हें मैं क्यों मना करूं? उन्होंने कहा कि कोई भी जो मांग करेगा पार्टी उसका उचित तरीके से जवाब देगी। ये पूछे जाने पर कि क्या पार्टी की और उप मुख्यमंत्री बनाने की योजना है, उप मुख्यमंत्री ने कहा आप कृपया मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे प्रभारी महासचिव से मिले या मुख्यमंत्री से पूछे।